नमस्कार, मैं हूं दीनानाथ। आप देख रहे हैं जनसंसद न्यूज। जैसा कि आप आज को मैं ये बताने जा रहा हूं कि दिल्ली और हरियाणा का पूरा कांग्रेस एससी डिपार्टमेंट एक हो चुका है। कहीं ना कहीं करते हैं दोनों लोग मिल करके पदाधिकारियों का चयन। वहीं आप देख सकते हैं किस प्रकार से आज हरियाणा से पहुंचे जितेंद्र जी और सुनील कुमार दिल्ली प्रदेश के जो चेयरमैन हैं एससी डिपार्टमेंट के, वो किस तरीके से अपने एक आशीष को आज बना दिए दिल्ली प्रदेश के कोऑर्डिनेटर। वहीं दिल्ली प्रदेश के कोऑर्डिनेटर बनते ही आशीष ने इतना दुख व्यक्त किया कि हमें जोड़ना पड़ेगा उन लोगों को जो आज हमसे बिछड़े पड़े हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनमें मिष्ठान के चला और लोग अपना लेटर देते हुए मिले और एक दूसरे को मीठा खिलाते हुए भी मिले हैं। आपने देखा भी है। और अब मैं जानूंगा कि क्या कुछ कहता है ये कांग्रेस एससी एससी डिपार्टमेंट। जरा ध्यान से सुनिएगा। आशीष दिल्ली का स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाया है हमारे दिल्ली प्रदेश के एससी विभाग के अध्यक्ष श्री सुनील कुमार जी ने मुझे ये पद दिया है और मैं इस पद को पूरी निष्ठा से पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा और कांग्रेस पार्टी को और भी तरीके से मजबूत करूंगा। जो कि दिल्ली में हमारी गवर्नमेंट जो 15 साल रही, ऐसा क्या कारण रहा जो इस तरीके से हमारी सरकार और हमारी पार्टी आज बैकफुट पर आ गई। जहाँ मेरा निवास है वहाँ हमारे कार्यकर्ता बहुत जुड़ चुके हैं, जो छोड़ के चले गए उन्हें मनाया भी जा रहा है और अब तो पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी आ गई है सर। बड़ी कठिनाइयों के साथ सभी के साथ जुड़ना है, सबको जोड़ना है, जो बरगला गए हैं उनको साथ लेके चलना। हम भी दिया सरकार को, मोदी सरकार को, और हमने ये बोला है कि अगर इस तरीके से हमारे समाज को आप विस्थापित करेंगे और ऐसी घटना हमारे समाज के साथ करेंगे तो पूरे देश का वाल्मीकि समाज आपसे क्रुद्ध हो जाएगा। केजरीवाल की सरकार से क्रुद्ध है आज पूरा वाल्मीकि समाज, मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ है आज वाल्मीकि समाज। ये पहले मैं बात करूँगा, हम सम्मान करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का, पहली बात तो ये, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू लैंड एक्ट, जो भूमि अधिनियम कानून है हमारे देश का, उसके तहत भी आप 20 साल से ज़्यादा अगर कहीं भी आपने मकान बना लिया है तो आप उनको इस तरीके उन मकानों को नहीं तोड़ सकते। और फिर वैश्विक महामारी कोरोना के अंदर उन मकानों को तोड़ा गया है। मैं समझता हूँ संवेदना मर चुकी हैं केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की सरकार की और केंद्र सरकार की भी। हम आग्रह करेंगे उपराज्यपाल महोदय एलजी साहब से भी और मोदी जी से भी और केजरीवाल साहब से कि अपनी नीतियों को सुधारें वो और इन लोगों की मदद करें। रही अब कांग्रेस पार्टी की मदद की बात, कांग्रेस पार्टी अब यदि उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला, उन लोगों को स्थापित नहीं किया गया, उनका पुनर्वास वहाँ पर स्थापित नहीं किया गया, तो पूरा वाल्मीकि समाज, एससी एसटी समाज, हिंदुस्तान का वाल्मीकि समाज, दलित समाज सड़कों पर होगा, आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदार यहाँ की दिल्ली की सरकार होगी। देखिए, बिखरा हुआ समाज नहीं है, कुछ थोड़ी बहुत नीतियों से अग्रसर होगा था, लेकिन अब मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करता हूँ समाज से कि सभी साथ में आकर मिलजुल काम कर भी रहे हैं, चाहे किसी पार्टी में हो, लेकिन वाल्मीकि समाज अब एक हो चुका है। और